दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको नियोक्ता के महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। अगर आप एक नियोक्ता हैं, तो आप ये वीडियो जरूर ध्यान से देखें। यदि कोई फैक्ट्री या अन्य प्रतिष्ठान ईपीएफ एक्ट की अनुसूची एक में दिए गए किसी उद्योग अथवा व्यापार में कार्य करता है और उसमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उस पर ये अधिनियम लागू होता है और उसके नियोक्ता को चाहिए कि वो ईपीएफओ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर अनुपालन सुनिश्चित करे। अधिनियम स्वतः लागू होता है, इसके लिए नियोक्ता को कोई सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नियोक्ता इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनके प्रतिष्ठान के सभी एलिजिबल कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट नंबर आवंटित हो। संविदा या ठेका कर्मियों के मामले में नियोक्ता सुनिश्चित करें कि वे सीधे आपके द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से पीएफ के अंतर्गत कवर किए गए हों। यदि ठेकेदार के पास अपना पीएफ कोड है, तो यह सुनिश्चित करें कि इसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पर अपडेट किया गया हो और अनुपालन की निगरानी करें। यह ध्यान रखें कि कर्मचारी को पीएफ में एनरोल ना करना अधिनियम और योजनाओं के मूल उद्देश्य को विफल कर देता है और असंतुष्ट और असुरक्षित कार्यबल को जन्म देता है। साथ ही ऐसा करना आपके विरुद्ध विभिन्न दंडात्मक कार्रवाइयों को आमंत्रित करेगा। नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि अपने कर्मचारियों का पीएफ योगदान अगले महीने की 15 तारीख से पहले ईपीएफओ में जमा करें। गलत घोषणाएं करके ऐसे व्यक्तियों को ईपीएफ सदस्य ना बनाएं जो आपके प्रतिष्ठान में कार्यरत नहीं है। अपने प्रतिष्ठान के एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी को ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के रूप में नियुक्त करें, क्योंकि उसके द्वारा की गई सभी कार्रवाई नियोक्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। ऐसे सभी मामलों में जहां नियोक्ता स्वयं व्यवसाय नहीं करता है और ऐसा करने के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी या किसी दूसरे पर निर्भर करता है, अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठान और नियोक्ता को ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के सभी ओमिशन और कमीशन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ की विभिन्न योजनाओं और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करने के कदम उठाने चाहिए, विशेष रूप से कर्मचारियों के केवाईसी विवरण और नामांकन विवरण हमेशा अपडेटेड रखें। इससे सदस्य या उनके डिपेंडेंट्स किसी परेशानी के बिना पीएफ बेनिफिट्स को क्लेम कर सकेंगे। नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान के लॉगिन क्रेडेंशियल की गोपनीयता बनाए रखें और उन्हें अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ कभी साझा न करें। सदस्यों को जब भी आवश्यकता हो ऑनलाइन दावा दायर करने में सहायता करें। जब कर्मचारी आपके प्रतिष्ठान में रोजगार छोड़ता है, तो ट्रांसफर क्लेम दाखिल करने या सेवानिवृत्ति पर रोजगार छोड़ने की स्थिति में फाइनल विड्रॉल दावा दाखिल करने में सहायता करें। कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर एलिजिबल परिजनों या नॉमिनी को पीएफ, पेंशन व ईडीएलआई का दावा फॉर्म भरने में सहायता करें। पीएफ से संबंधित सभी ट्रांजैक्शन केवल आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in के माध्यम से ही करें। आज के वीडियो में हमने नियोक्ता के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी है। कृपया बताई गई बातों का सावधानी और सत्यनिष्ठा से पालन करें। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। आपके कर्मचारियों का हित आपका विधिक और नैतिक दायित्व है। याद रखिए, संतुष्ट और सुरक्षित कर्मचारी ही सर्वोत्तम उत्पादकता दे सकता है। ऐसे ही तमाम विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और इसे शेयर भी करें। क्या पता कब किसको इसकी जरूरत आ पड़े। जय हिंद।